बाढ़ आने से हमारे गांव के 7 घर और एक प्राइमरी स्कूल बह गया है, जिससे बंदों को काफी दिक्कत आ रही जो उसमें रह रहे थे। अभी विभाग की तरफ से उनको एक एक त्रिपाल दी गई है, बाकी कोई पूछ नहीं रहा इनको। जो भी आ रहा है चौकी से वापिस जा रहा है, चौकी वालों से बात करके बलादी और पौल वालों की कोई समस्या नहीं सुन रहा है। कितने घर हैं यहाँ पे फिलहाल? यहाँ पे हमारे दोनों गांव को मिला के 30-35 घर है। तो कितने घर, मतलब कुछ घर बह भी गए उसमें? उसमें से 7 घर बह गए हैं, एक मिडिल, एक प्राइमरी स्कूल है, उसमें 8 हो गए सारे। किसी की जान की नुकसान नहीं? जान का तो पहले पता लग गया था टेलीफोनी, तो उस तरह से अब बंदे अपनी जान बचा के सारे गांव वाले जो भी थे इधर रहने वाले वो भागे थे यहाँ से। तो गांव अब किस तरह से कनेक्ट है या बिल्कुल? कुछ भी नहीं है, नदी का बहाव बहुत तेज है, ना बंदों को कोई कनेक्टिविटी नहीं है, ना बिजली नहीं है, और पानी तो हम थोड़ा पीछे से, बाकी जो बंदों के पास मटेरियल घर पे बचा है वो ही ले रहे हैं, कोई बातचीत नहीं हो पा रही है वहां पे किसी से भी। फोन वगैरह चल रहे हैं आप लोगों का? काफी कम बंदों के चले हैं, बाकी कुछ नहीं है। खाने पीने का आप कैसे, मतलब पानी का कैसे करें, खाना राशन आ पा रहा है या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ? कुछ नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ नहीं है, जो भी आ रहे हैं रोड से ही देख के चले जा रहे हैं, कोई किसी से बात नहीं। अभी बलादी पहल की किसी से भी, प्रशासन से किसी भी तरह की कोई बात नहीं हुई इनकी।